दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को कैसे छुपाएं या फ्रेंड लिस्ट को कैसे हाइड करें। अगर आप भी किसी वजह से फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को हाइड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को हाइड करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो फ्रेंड नहीं होगा वो आपके फ्रेंड लिस्ट को बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर आपका फोटो दिखेगा, सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको सबसे नीचे में आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको फिर से मिलेगा यहाँ पर प्राइवेसी शॉर्टकट का ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। और क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी दिखाई देगा और उसके नीचे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा सी मोर प्राइवेसी सेटिंग, सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर देना है। और मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और वैसे ही आप फेसबुक में क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ पीपुल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, और यहीं पर आपको मिल जाता है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर वो पेज खुल के आ जाता है जहाँ से आप अपने फ्रेंड लिस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं और ओनली मी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में पहले से सेटिंग है ओनली मी, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंड लिस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम पब्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है, यहाँ से सेव करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर पब्लिक सेलेक्ट करते हैं जिसका मतलब होता है कि कोई भी अननोन पीपल आपके फेसबुक को खोल के आपके फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि आपके फेसबुक में जितने फ्रेंड होंगे वही देख पाएंगे कि आपके फ्रेंड कितने हैं और कौन कौन फ्रेंड। और सबसे नीचे यहाँ पर आता है फ्रेंड एक्सपेक्ट, यहाँ पर आप वैसे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके आईडी को ना देख पाए और आपके फ्रेंड लिस्ट को ना देख पाए। तो यहाँ पर आप सिंपली आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर देंगे और ये बंदा आपके फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट को नहीं देख पाएगा, तो सिंपली यहाँ से भी वो सेटिंग है। और उसके बाद सबसे नीचे में आ जाता है आपको ओनली मी का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ओनली मी का सेटिंग कर देते हैं तो इस फेसबुक में अपने फ्रेंड लिस्ट को आप खुद ही देख सकते हैं, केवल आप ही आप अपने फ्रेंड को देख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता, यहाँ तक कि आपका फ्रेंड भी नहीं। तो बिल्कुल यही प्रोसेस है दोस्तों आपको अपनाना है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत फास्ट में, ताकि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको मेनू में चले जाना है और उसके बाद सबसे नीचे में जाना है और यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी मिल जाएगा, तो इसी पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइवेसी शॉर्टकट मिलेगा, यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सी मोर प्राइवेसी सेटिंग, सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू, और यहीं पर मिल जाता है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, इसका मतलब है कि आपके फ्रेंड लिस्ट को कौन देख सकता है। और उसके बाद आपके पास फिर से वही ऑप्शन खुल के जाता है जहां से आप सेटिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।